हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा एक की इंग्लिश, हिंदी मीडियम की इंग्लिश का लेसन 8, राहुल आई एम बिजी, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को ओपन करके अपने सामने रख लीजिए, मैं रीड और करती जाऊंगी और आपको चैप्टर को समझाती जाऊंगी, तो आप समझते जाइए। ठीक है ना, शुरू करें। राहुल वाज एन आइडियल बॉय। राहुल एक सुस्त लड़का था, आइडियल बॉय है ना। ही रन अवे फ्रॉम स्कूल एवरी डे। वह रोजाना विद्यालय से भाग जाता था। वन डे ऑन द वे ही सा ए मंकी ऑन ए ट्री। एक दिन रास्ते में उसने पेड़ पर एक बंदर को देखा। राहुल आस्क्ड द मंकी। राहुल ने बंदर से कहा, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। नो सेड द मंकी। बंदर ने कहा, नहीं मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ या मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। राहुल वेंट ऑन, राहुल चला गया। आफ्टर अ वेल ही सा ए बी सिटिंग ऑन ए फ्लावर। कुछ समय बाद उसने फूल पर एक मधुमक्खी को बैठे देखा। ही सेड टू द बीज। उसने मधुमक्खी से कहा, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। द बी सेड, नो आई एम बिजी। मधुमक्खी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आई विल नॉट प्ले विथ यू, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। नेक्स्ट पेज पे आइए। राहुल वेंट ऑन, राहुल चलता गया। ही मेट ए रैबिट। वह एक खरगोश से मिला। सेड टू द रैबिट। रैबिट, उसने खरगोश से कहा, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। नो सेड द रैबिट, आई एम वेरी बिजी। खरगोश ने कहा, नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। राहुल लेफ्ट वेरी सैड। राहुल बहुत उदास हुआ। ही थॉट एवरी वन इज बिजी। प्रत्येक व्यक्ति, उसने सोचा प्रत्येक आदमी व्यस्त है। ओनली आई एम आइडल, एक मैं ही सुस्त हूँ। आई विल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊँगा। आई विल लर्न माई लेसन, मैं अपने पाठ को याद करूँगा। देन आई विल बी बिजी टू, तब मैं भी व्यस्त हो जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपका हो गया है, राहुल आई एम बिजी, है ना। अब अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, वो अपन पढ़े लेते हैं, है ना। आइडल माने सुस्त, रन माने भागा, बिजी माने व्यस्त, आफ्टर अ वेल माने कुछ समय पश्चात, रैबिट मीन्स खरगोश, थॉट माने सोचा, एवरी वन माने हर कोई, लेसन मीन्स पार्ट, टू माने भी, लेफ्ट माने महसूस किया, ट्री मीन्स पेड़, सैड मीन्स दुखी, लर्न मीन्स सीखना, वी मीन्स मधुमक्खी, प्ले मीन्स खेलना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज राहुल। राहुल किस टाइप का बॉय था, आइडल। ठीक है, अब दूसरा है, वी वाज सिटिंग ऑन ए फ्लावर। वी कहाँ पर बैठी हुई थी, फ्लावर पर। राहुल डिसाइड टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई एम बिजी, आई कैन नॉट प्ले विथ यू। हु सेड दिस वर्ड, किसने कहा था कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ। द मंकी। नेक्स्ट पेज पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, विल यू फिल विथ मी, प्ले विथ मी, एवरी वन इज बिजी, आई विल लर्न माई लेसन, ऑन द वे ही सा ए मंकी, ही रन अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसके आंसर उसके सामने लिखे हुए हैं, तो उसमें से आप देखकर लिख सकते हैं। व्हाट डिड राहुल से टू द मंकी। राहुल ने मंकी से क्या कहा। विल यू प्ले विथ मी, राहुल ने मंकी से कहा कि आप मेरे साथ खेलेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट वाज द आंसर टू द बी। बी ने क्या आंसर दिया था, आई एम बिजी, आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है,
What lesson this chapter give you us? I am busy. इसको इस लेसन को हम कौन सा नाम देंगे? क्या देंगे? I am busy. फोर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड राहुल से टू द रैबिट? राहुल ने रैबिट से क्या कहा? विल यू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक थैंक यू, बाय बाय.